हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं MG एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से सॉफ्ट ऑरेंज टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को कर देते हैं +61 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +56 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -40 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो इसे रखते हैं -15 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +21 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसे रखते हैं -30 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +10 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -80 एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फोटो की जो लाइटिंग है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इस फोटो की परफेक्ट रूप से लाइट एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे लाइट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को कर देते हैं -1.01 एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को भी माइनस करेंगे। तो गाइस, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -24 एंड यहाँ से हाईलाइट्स की वैल्यू को भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -20 एंड यहाँ से शैडोज की वैल्यू को भी माइनस करेंगे। तो गाइस, शैडोज की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -20 एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +25 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, DH की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20 एंड यहाँ से विनियट की वैल्यू को माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, विनियट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -49 एंड यहाँ से मीट फॉन्ट की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मीट फॉन्ट की वैल्यू को करते हैं +64 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसे रखते हैं +70 एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी फोटो है उसमें थोड़ा सा शाइनिंग आए, तो इसे रखते हैं 20 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। ठीक है, एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। सो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो कुछ इस टाइप से थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस, आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सेफ्ट डिवाइस पर क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। Cause it's been too many years since California.